तो अगला चैप्टर है पांडु रोग चिकित्सा। गृहिणी के ठीक बाद चरक ने पांडु का वर्णन किया है। गृहिणी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर हमने आपको अतिसार बताया। आज हम लोग चर्चा करते हैं पांडु रोग के बारे में, ठीक है ना। इसी चैप्टर में हम लोग पांडु के साथ साथ कामला, हलीमक ये सब व्याधियां भी पढ़ेंगे। जैसे हमने और चैप्टर को आपको बताया कि हम डायरेक्ट चरक पे नहीं आएंगे, पहले थोड़ा सा उस चैप्टर के बारे में, पांडु के बारे में इधर उधर जो भी बातें लिखी गई हैं संक्षिप्त रूप से हम आपको सारी बातें बता देंगे, ठीक है ना। फिर हम आएंगे चरक पे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ जो चरक में लिखा है वही अन्य जगहों पर डिस्क्रिप्शन आया है, अन्य बुक्स में या काय चिकित्सा में जहाँ भी आया है, चरक से बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो अन्य आचार्यों का भी मत आएगा वो हम लोग कंपैरेटिव पढ़ लेंगे यहाँ पे सुश्रुत भागवत का। स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा पांडु चिकित्सा। चरक ने पांडु रोग का वर्णन गृहिणी के बाद किया है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और सुश्रुत ने क्या किया है, हृदय रोग के बाद किया है। चरक ने गृहिणी के बाद डिस्क्राइब किया है और सुश्रुत ने हृदय रोग के पश्चात इसका वर्णन किया है। फिर आया है केतकी धूल सन्निभम। म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। केतकी धूल सन्निभम मतलब केतकी के धूल के समान वर्ण का होना, ये पांडु का एक लक्षण है। केतकी धूल सन्निभम ये इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी मार किया है। पांडुस्तु पीत मार्गार्ध केतकी धूल सन्निभम, तो ये जो केतकी धूल सन्निभम है ये आपसे पूछा जाता है किसका है, पांडु का है। फिर भेद की बात करते हैं तो चरक के अनुसार देखिएगा वीपीकेएस प्लस मृदिका भक्षण जन्य। आपने देखा होगा छोटे बच्चे मिट्टी बहुत खाते हैं, तो मिट्टी खाने की वजह से, मृदिका भक्षण की वजह से पांडु यानी कि एनीमिया हो सकता है। तो चरक के अनुसार ये भेद 5 हैं, सुश्रुत के अनुसार ये वीपीकेएस पे रह जाता है, वातज पित्तज कफज और त्रिदोषज। हारिक का देखेंगे तो वीपीकेएस ये हुआ, मृतिका भक्षण जन्य 5वां हुआ जो चरक का है। 3 इन्होंने कामला, कुंभ कामला और हलीमक ये पांडु का भेद माना है इन्होंने, और इस तरीके से हारिक के कुल 8 भेद हो जाते हैं पांडु के, ठीक है ना। ये डिफरेंट आचार्यों के अनुसार पांडु के भेद हुए, यानी मृदिका भक्षण जन्य सुश्रुत ने नहीं माना है, तो सुश्रुत के हो जाते हैं 4। फिर संक्षिप्त में अगर निदान की बात करते हैं तो पांडु रोग का निदान क्या है, पित्तवर्धक आहार विहार का अधिक सेवन करना, दीवा स्वप्न दिन में सोना, व्यायाम, मैथुन, वेग विधारण, भय और चिंता, ये सब कुछ पांडु रोग के निदान है, ठीक है ना। दिन में सोने से, बहुत ज्यादा व्यायाम करने से, व्यवहार करने से, अधारणी वेग को धारण करने से, भय से, चिंता से, ये कुछ निदान बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं। दोष की बात करें अगर तो त्रिदोष यहाँ भी है, और विशेष रूप से क्या है, पित्त है। जैसा कि पहला ही निदान आया पित्त वर्धक विदाही आहार विहार, मतलब मुख्य रूप से इसमें जो है पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, और उस मुख्य रूप से पित्त में भी साधक पित्त, पित्त में भी अगर बात करें तो साधक पित्त जो है, समुदीर्ण यदा पित्तम हृदय समवस्थितम, ऐसा आया हुआ है कि वह पित्त रिस्पॉन्सिबल है जिसका स्थान हृदय में है, और हृदय में हम जानते हैं कि साधक पित्त का स्थान होता है, ठीक है ना। तो समुदीर्णे यदा पित्तम हृदय समवस्थितम, जो पित्त का स्थान हृदय है वही पित्त यहाँ पे मुख्य दोष है, यानी कि साधक पित्त की बात करते हैं। याद रखिएगा दूष यहाँ पे त्वचा, रक्त और मांस, प्रदूष्य कफ वात अश्रिकत्व मांसानि करोति तत्, और सुश्रुत ने सिर्फ और सिर्फ रक्त को दूषित माना है, ठीक है ना। मरते थे पांडु से, मरते थे चरक पांडु से, मरते थे मरते, म से मांस, र से रक्त और त से त्वचा, तो चरक पांडु से मरते, ठीक है ना। तो म र ते मांस रक्त और त्वचा ये हो गए दूष्य। फिर अगली स्लाइड की हम बात करते हैं, थोड़ा सा कामला के बारे में दिया होगा। कामला 2 प्रकार की होती है, शाखाश्रित कामला और कोष्ठाश्रित कामला, ठीक है ना। तो कामला बेसिकली जॉन्डिस से हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पढ़ते हैं, जॉन्डिस भी आपने पढ़ा होगा ना। बिलिरुबिन कितने तरह का होता है, कॉन्जुगेट और नॉन कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जॉन्डिस होता है, और दूसरा कौन सा होता है, क्या सर? एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, दूसरा कौन सा होता है,
तीन तरह का जॉन्डिस है सर, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक और प्री हेपेटिक। हलीमक में देखिएगा, हलीमक भी एक व्याधि है। हलीमक को बागवत ने लोढ़र या अलस बताया है, लोढ़र या अलस नाम से हलीमक का वर्णन आया है। चरक ने हलीमक को महाव्याधि कहा है, क्या कहा है? महाव्याधि। तो चरक के अनुसार ये महाव्याधि है, ठीक है ना। हलीमक वीआईपी को होता है, याद रखिएगा वीआईपी। हल कौन चलाएगा? वीआईपी चलाएगा। वीआईपी मतलब वात और पित्त। हल कौन चलाएगा? वीआईपी। वात पित्त प्रधान व्याधि हलीमक चरक के अनुसार। और जीर्ण शाखाश्रित कामला की उपेक्षा से हलीमक उत्पन्न होता है, यानी कि अगर क्रोनिक शाखाश्रित कामला अगर हो जा रहा है तो उसकी अगर आप उपेक्षा करते हैं तो उसकी वजह से हलीमक हो जाता है। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, जीर्ण शाखाश्रित कामला की उपेक्षा से। और शाखाश्रित कामला का लक्षण कैसे है? हरिद्र नेत्र मूत्र त्वक श्वेत वर्चस तदा नरः। मतलब कि हरिद्र वर्ण का नेत्र मूत्र त्वक ये सभी जो है हरिद्र वर्ण के हो जाते हैं, और श्वेत वर्ष जो मल होता है वो श्वेत वर्ण का हो जाता है। वर्ष मतलब मल जो होता है वो श्वेत वर्ण का हो जाता है। ये जो है आपका शाखाश्रित कामला का लक्षण है। एक शाखाश्रित कामला होता है और एक कोष्ठाश्रित कामला होता है। अभी जब हम लोग चरक पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा डिस्क्राइब करेंगे आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा पूरे के पूरे पांडु को हम संक्षिप्त रूप से आपके सामने रख रहे हैं, जिससे एक माहौल बन जाए आपके दिमाग में कि हमको बेसिकली पांडु में पढ़ना क्या है। तो हलीमक हमने बताया, लोढ़र या आलस बताया है, वात पित्त प्रधान है, चरक ने महाव्याधि बताया है, ठीक है ना। लक्षण की अगर बात करते हैं हलीमक की अगर लक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, स्त्री स्वहर्सो। और कहाँ बताया है याद करिए जरा, ये शब्द और कहाँ आया था? सर कफज कफज ग्रहणी में। हाँ याद रखिए, कफज ग्रहणी में आया है और हलीमक में आया है। स्त्री स्वहर्सो अंग मर्दश्च और बल उत्साह का क्षय हो जाता है। बल और उत्साह का क्षय ये इंपॉर्टेंट है। मृदु ज्वर होता है हलीमक में और मंदाग्नित्वम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हलीमक क्या है, थोड़ा सा कामला के आगे की स्टेज, यानी जॉन्डिस के थोड़ा सा आगे की स्टेज है। हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करना चाहते हैं, बस यूं जान लीजिए कि कामला थोड़ा सा अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर रह गया, अगर आपने उसकी चिकित्सा ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो हलीमक में कन्वर्ट हो जाएगा। और हलीमक का लक्षण क्या है? बल उत्साह इसका क्षय हो जाएगा, मृदु ज्वर माइल्ड फीवर रहेगा, मंदाग्नि हो जाएगी, स्त्री सुहर्षो इसका भी हम आपको मतलब बता चुके हैं ग्रहणी में, अंग मर्द श्वास तृष्णा अरुचि भ्रम ये सभी हलीमक के लक्षण हैं। विद्यात अनिल पित्ततः, समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है? अनिल मतलब वायु, पित्त मतलब पित्त, वात और पित्त की वजह से ये व्याधि होती है। वही हमने कहा वात पित्त प्रधान यानी वीआईपी हल चलाएगा। क्लियर, फास्ट पढ़ाएंगे लेकिन कुछ भी ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि आपको ऊपर से जाए, एक एक चीज स्पष्ट करके तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पानकी एक व्याधि होती है, चक्रपाणि और डडलर ने इसका वर्णन किया है पानकी का। पानकी में होता क्या है? ज्वर व अतिसार, पीत शरीर, नेत्र पांडु से लक्षण हो तो उसे पानकी कहते हैं। अभी इसका श्लोक आएगा चरक में विमर्श में, तो उसको भी हम आपको याद कराएंगे। पूछा जाता है पानकी भी, ज्वर अतिसार रहेगा, शरीर यलोइश हो जाएगा, नेत्र पांडु वर्ण का हो जाएगा, ये सब पांडु के कुछ सॉरी पानकी के लक्षण है। तो इसी चैप्टर में विमर्श में आपको मिलेगा, पांडु वाले चैप्टर में। फिर इसी के बाद देखिएगा चिकित्सा में, चरक में हलीमक की चिकित्सा में अभया लेह बताया है और गुड़ची स्वरस क्षीर साधित माहिष घृत। गुड़ची स्वरस क्षीर साधित माहिष मतलब महिषी भैंस का घृत, और अभया लेह, अभयानी हरित की लेह, अभया लेह नाम है, अभी बुक में आएगा। याद रखिए गुड़ची स्वरस साधित, गुड़ची स्वरस स क्षीर साधितम माहिष घृतम, एक ये हुआ और अभया लेह ये आपका हलीमक की चिकित्सा है। फिर बात करते हैं हम लोग क्या पांडु रोग में चिकित्सा योग, कुछ योग आए हैं पांडु रोग में, क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। नवायस लौ है, पुनर्नवा मंडूर है, योगराज है, लौ भस्म है, स्वर्णमाच्छिक भस्म है, मंडूर भस्म है और अभ्रक भस्म है। ये तो पांडु रोग में कुछ रस औषधियों की बात किए। वटी की अगर बात करते हैं तो आरोग्य वर्धनी वटी है, मंडूर वटक है ना। चूर्ण में अगर इंपॉर्टेंट बात करें, त्रिफला चूर्ण, आमलकी चूर्ण आप दे सकते हैं। कषाय में पुनर्वाष्टक क्वाथ और फलत्रिकादि क्वाथ। लोहासव है, बहुत
फ्रिक्वेंटली क्लिनिकली यूज करते हैं, नाम में लोहा आया है, लोहासो, द्राक्षासो, पुनर्नवासो, है ना, तो ये सब प्रयोग करते हैं, कुमार्यासो प्रयोग करते हैं। ग्रित में कई ग्रित अभी आपको बुक में ही पढ़ने को मिलेंगे, हम आपको याद कराएंगे, दाढ़ीमाध्य ग्रित है, कटुपाध्य ग्रित है, पत्या ग्रित है, दंती ग्रित, पांडु के ग्रित बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रित बहुत ज्यादा आया है इसमें, याद रखिएगा। तो दाढ़ीमाध्य ग्रित, कटुपाध्य ग्रित, पत्या ग्रित, दंती ग्रित, द्राक्षाघृत, हरिद्राद घृत, दारवी घृत, कालिया घृत, है ना, अवलेह में दारव्यादि लेह हो गया और द्राक्षावलेह। रसायन, योगराज रसायन आया, याद रखिएगा, योगराज रसायन, इसके पहले भी हम आपको एक बार डिस्क्राइब कर चुके हैं, योगराज रसायन हम लोग पांडु में पढ़ेंगे, ऐसा हमने बोला था, अगर हमने बोला था तो योगराज का कुछ और योग था, कहाँ था सोचिए। त्रिफला रसायन, आमलकी रसायन, गोमूत्र हरित की इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, च्यवनप्राश जो हम लोगों ने रसायन चैप्टर में पढ़ा था वो भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, और मंडूर रसायन, ठीक है ना। पर्पटी की अगर बात करते हैं तो लौह पर्पटी और विजय पर्पटी पांडु रोग में प्रयोग करते हैं, तो ये आपका ये चिकित्सकीय योग है, चिकित्सा के योग है, वो है कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। इसमें योगराज रसायन, त्रिफला रसायन, आमलकी, गौमूत्र हरित की ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, घृत वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। फलत्रिकादिक्वात हमने आपको बताया था कि चरक ने प्रमेह में बताया है, किसने पांडु में बताया है, कुछ याद आ रहा है, शारंगधर का हमने बताया था कि शारंगधर ने पांडु में बताया है फलत्रिकादिक्वात। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें हमने गोचागाची भी किया है, गोचागाची पर ना जाइएगा, जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वही चीज कुछ चीजें हम लोग रिवाइज करेंगे। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। पांडस्तु पीत मार्गार्ध केतकी धूल सन्निभ, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, केतकी के धूल के समान वर्ण का हो जाना त्रिदोष होता है साधक पित्त विशेष रूप से, पित्त विशेष रूप से उसमें भी साधक पित्त दूष्य हमने बताया था, चरक पांडु से मरते थे, सुश्रुत में केवल रक्त दूष्य होता है, भेद हमने आपको बता दिया है ना। पांडु रूप का पूर्व रूप यहाँ पे आया है, उस पेज में नहीं था, तो हृदय स्पंदन, हृदय में स्पंदन होगा, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा, यही श्लोक आएगा भी जब लोग चरक पढ़ेंगे, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्तथा, एक लेवल आएगा कि आपको सारी चीजें रट जाएंगी, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है पांडु के पूर्व रूप का, इसको रट लीजिएगा, अभी हम लोग चरक में पढ़ेंगे। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेद अभाव मतलब पसीना नहीं आएगा, श्रमस्तथा हमेशा थकावट थका, आपने देखा होगा पांडु या कामला के पेशेंट हमेशा बिल्कुल थके थके से रहते हैं, है ना। फिर पांडु और कामला का चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा सूत्र कहते हैं पांडु रोगी में सर्वप्रथम स्नेहन कराते हैं, पांडु रोग में सर्वप्रथम स्नेहन, तीक्ष्ण वमन तथा विरेचन द्वारा संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद मृदुविष टिकते कामली तु विरेचन, हमने आपको उदर रोग में पढ़ाया था नित्यमेव विरेचयत, ऐसा आया था उदर रोग में नित्यमेव विरेचयत, ऐसा आया था, यस सर, यस सर आया था। कामली तु विरेचन, विरेचन ये पढ़ेंगे, फिर पक्षाघात में हम आपको विरेचन पढ़ाएंगे, ऐसे पक्षाघाते तु विरेचन, तो तीनों चैप्टर का जो विरेचन वाला पोर्शन है उसको आप जरूर याद रखिएगा। उदर रोग में हमने आपको विरेचन का प्रकरण कहाँ बताया, जब दोष बहुत अधिक मात्रा में रहेंगे तो अवयव वगैरह से, वहां पे आपने देखा कि विरेचन कराना है, हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाली क्लास में। तो मृदुविष तिक्ते, मृदु और तिक्त द्रव्यों से कामला में विरेचन कराना है, तो याद रखिएगा ये कामला का हुआ। और पांडु रोग में क्या करते हैं, सर्वप्रथम स्नेहन, फिर तीक्ष्ण वमन एवं विरेचन द्वारा संशोधन करते हैं, दोनों का श्लोक अभी हम लोग जब चरक पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा कामला की बात करते हैं, कामला क्या है कि अगर हम श्लोक की बात करें तो पांडुरोगी यो अत्यर्थम पित्त लाने निषेवते, जो पांडुरोगी यो अत्यर्थम अधिक मात्रा में पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, पांडुरोगी यो अत्यर्थम पित्त लाने निषेवते तस्य पित्तम अश्रिक मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते, तो पांडु रोगी द्वारा पित्त वर्धक आहार के सेवन से प्रकुपित पित्त रक्त मांस को दग्ध यानी जला देता है और कामला उत्पन्न करता था, तो चरक पांडु से मरते कामला से मरे, चरक पांडु से मरते कामला से मरे, यानी कामला में दूषित क्या हो गया, मांस और रक्त, यहाँ पे त्वचा नहीं है, त्वचा किस में था, पांडु में था, ठीक है ना। तो
पांडु रोगी योगाध्यर्थम पित्तलानि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसके कई श्लोक इम्पोर्टेंट हैं जो आपको जिंदगी पर साथ देंगे। प्रैक्टिस में भी आपको एनिमिक पेशेंट बहुत मिलेंगे, डायरिया के पेशेंट बहुत मिलते हैं, ठीक है, ग्रहणी के, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम स्क्रू के पेशेंट बहुत मिलते हैं। इसलिए दीज चैप्टर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसीलिए हम कवर कर रहे हैं सब चैप्टर को पहले। इसके बाद हम लोग हिक्का श्वास कास पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मृदुविष टिकते कामली तु विरेचनम, हमने बताया आपको इसका चिकित्सा कैसे करेंगे कामला का। फिर इसके बाद हमने बताया कामला किन कारणों से उत्पन्न होता है। पांडु रोगी यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते, पांडु रोगी द्वारा पित्तवर्धक आहार के सेवन से प्रकोपित पित्त रक्त और मांस को दूषित करेगा, जलाएगा और कामला उत्पन्न करेगा, तो दोष हो गया पित्त। पांडु में भी पित्त था, साधक पित्त था विशेष रूप से, और वैसे तो तीनों दोष थे लेकिन विशेष रूप से साधक पित्त था। यहाँ पे पित्त है और दूष्य मांस और रक्त है। सुश्रुत ने यहाँ भी दूष्य केवल रक्त माना है। और कामला का लक्षण क्या है, हरिद्र वर्ण किसका हो जाएगा, नेत्र त्वचा नख और मूत्र, मुख, नेत्र त्वचा नख और मुख का वर्ण हरिद्र वर्ण का हो जाएगा, मल मूत्र रक्त पीत वर्ण हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने हल्का सा लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, भेक वर्णों हतेंद्रिय, हल्का सा दिख रहा होगा ना, भेक वर्णों हतेंद्रिय दिख रहा है कुछ, बहुत लाइट कलर से, तो अभी वो भी आएगा बुक में आएगा, भेक वर्णों हतेंद्रिय, ये भी कामला में आता है। फिर इसके बाद भेद दो प्रकार का हो गया, कोष्ठाश्रित कामला, इसमें जो है मल जो निकलेगा वो पीत वर्ण का निकलेगा, और शाखा से जो कामला होता है उसमें तिल पिष्ट निभम श्वेत मल की, यानी कि कोष्ठाश्रित कामला में श्वेत मल और शाखाश्रित कामला में श्वेत मल निकलेगा, तिल पिष्ट निभम, ठीक है ना, तिल पिष्ट निभम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिल पिष्ट निभम शाखाश्रित कामला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा शाखा से तेल, ठीक है ना, शाखा से तेल, जिससे हमको ये याद रहे कि तिल पिष्ट निभम कौन सा है, शाखाश्रित वाला, ठीक है। दूसरा एक और याद कर सकते हैं, कोप, कोप मतलब कोष्ठ में पीत, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, यही कंफ्यूजन होता है किसमें पीत था किसमें श्वेत था, तो कोप याद करिए, चाहे शाखा पे तेल याद करिए, तो कोप ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कोष्ठ में पीत मल निकलेगा, दूसरा शाखा में क्या हो गया, तिल पिष्ट निभम, ठीक। फिर आता है बात कुंभ कामला की, जब पांडु रोग अधिक दिनों तक रह जाता है तब सभी धातुओं में रुक्षता हो जाती है, यानी कि जब पांडु रोग बहुत अधिक टाइम तक रह जाएगा तो सभी धातुओं में रुक्षता आ जाएगी, शोध हो जाता है, यहाँ पे शोध हो जाएगा और कुंभ कामला की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि एक कष्ट साध्य रोग है। यहाँ पे मल मूत्र कृष्ण पीत हो जाता है, यानी कि ब्लैकिश येलोइश, ठीक है ना। याद रखिएगा, पांडु में, कामला में, कुंभ कामला में, सभी में मल मूत्र का वर्ण अलग अलग बताया है, उसको नोट कर लेना। फिर हलीमक की बात हम लोग करते हैं, हलीमक जैसा भी हमने बताया वीआईपी को होता है, और क्या बताया हमने आपको, स्त्री सुहर्सु वालों बताया हमने आपको, और आलस्य रहेगा, कुछ इस तरीके से हमने अभी चर्चा किया था इसके पीछे वाले पेज में। यहाँ देखिए वात पित्त प्रधान महाव्याधि चरक ने बताया, और क्या है, हरित शाव पीतक बल उत्साह का क्षय हो जाना, मंदाग्नि और मृदु जर, ये हमने हलीमक के बारे में हम लोगों ने दो बार पढ़ लिया, अभी चैप्टर खत्म होते होते कई बार पढ़ेंगे। फिर पानकी के बारे में, अभी चक्रपाणी और डरण की बात अभी हम लोगों ने की, ज्वर होता है, अतिसार होता है, शरीर येलोइश हो जाएगा और नेत्र पांडु का वर्ण का हो जाएगा, ये सभी क्या है, यही है श्लोक, ये इंपॉर्टेंट है, संतापो भिन्न वर्चस्तम बहिरंतस्थ पीतता, यही पूछता है, ये पानकी रोग का लक्षण है, संतापो भिन्न वर्चस्तम बहिरंतस्थ पीतता, ठीक है ना, याद रहेगा, ये श्लोक याद कर लीजिएगा पानकी का, इसका हिंदी मतलब यही है, संताप भिन्न वर्चस यानी अतिसार, वर्च भिन्न वर्च मतलब अतिसार के लिए आता है, ठीक है ना, येलोइश होना, शरीर का पीला होना, ठीक है ना, और नेत्र जो है वो पांडु वर्ण का हो जाता है। याद रखिएगा ये पानकी का श्लोक है। कुछ चिकित्सा योग यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर एक बार देख लेते हैं, हमने सारे घृत यहाँ नीचे पेंसिल से लिखे हुए हैं, दाडिम घृत, पथ्या घृत, दंती घृत, द्राक्षा घृत, हरिद्रा घृत, गोमूत्र हरित की, सात रात्र गोमूत्र अयोरज में भावित करके, अभी वो भी अभी चरक में हम लोग पढ़ेंगे कि सात रात्रि तक गोमूत्र भावित अयोरज का प्रयोग करते हैं, नवायस चूर्ण का प्रयोग, योगराज का यहाँ प्रयोग आएगा,
शिला जंतु वटक का प्रयोग करेंगे और मंडूर वटक का, ये चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सार तो बढ़ा चुके हैं, अभी बाद में रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है, रिवाइज कराने के लिए डाले हैं जानबूझ के। फिर आती है बात चिकित्सा की, ये काय चिकित्सा वाली बुक से हमने लिया है, आगे बढ़ा जाए, कंटिन्यू करें ना। तो जिस रोग में रोगी का वर्ण श्वेत पीत हो जाता है उसे पांडु कहते हैं, पांडु वर्णता रक्त अल्पता का सूचक है, यानी पांडु वर्ण होना रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया का सूचक है, ब्लड का काउंट कम हो जाना भी ये एनीमिया का सूचक, ठीक है ना, इसको मॉडर्न में एनीमिया से कंपेयर किया गया है। चरक में 16वें पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म सूत्र तंत्र 44 में मिलेगा। निरुक्ति की बात देखिए, पांडु परिनाशन धातु से कुप्रत्यय करने पर निपात से पांडु शब्द बनता है, पांडुनो नृपतो सितो हे महा पांड पुण्यपतो सिते, ये तो हुआ निरुक्ति, चाहे पहला वाला लिख लीजिए चाहे दूसरा वाला लिख लीजिए। पांडुस्तु पीत भागार्थ केतकी धूल सन्निभम, अर्थात केतकी के धूल के समान सफेदी लिए हुए पीलापन, या आपका पांडु का, यहाँ पांडु के बारे में बता रहे हैं। और पांडु त्वेनो पल अक्षितो रोग पांडु रोग, अर्थात पांडु वर्ण से उपलक्षित रोग को पांडु रोग कहते हैं, अर्थात जिसमें वर्ण जो है पांडु वर्ण का हो जाए उसको पांडु रोग कहा जाता है। इसमें जो निरुक्ति है, पांडु परिनाशन धातु को प्रत्यय करने पर निपात से पांडु शब्द बनता है, और पांडुनो नृपतो सितो हेमा पांडु पुण्यपतो सिते, ये इंपॉर्टेंट है, केतकी धूल सन्निभम, अभी हम पीछे भी दो बार बताया इसको, याद रखिएगा। अतः पांडु शब्द का अर्थ श्वेत, श्वेत पीत, पीत श्वेत, श्वेता, इन सभी के लिए धूसर वर्ण ये सब हो सकता है। परिभाषा क्या हुई, जिस रोग में रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत हो जाता है उसे पांडु वर्ण कहते हैं। श्वेत पीत का मतलब लाइक पैलर, ठीक है ना, तो श्वेत पीत पैलर इज अ पेलनेस ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आइदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिमिनिश्ड सर्कुलेटरी रेड ब्लड सेल्स और डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, क्योंकि काय चिकित्सा का पोर्शन है, थोड़ा सा मॉडर्न इन्होंने कंपेयर कर दिया, बिकॉज आपके काय चिकित्सा में क्या आता है, कंपैरेटिव उभय मत से पूछा जाता है, ठीक है ना, उभय मत से, यहाँ पे थोड़ा सा पैलर का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। फिर निदान की अगर हम बात करते हैं, मतलब कारण, संहिताओं में क्या क्या कारण है, आहारज और विहारज होगा, हम जानते हैं अगर पित्त है, मुख्य रूप से अगर दोष पित्त है, साधक पित्त है, तो पित्तवर्धक आहार विहार का ही सेवन करने से ज्यादा हो रहा होगा, तो अम्ल लवण क्षार और उष्ण पदार्थ का अति सेवन, विरुद्ध असाध में भोजन, है ना, निष्पाव, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, निष्पाव मांस पन्याक तिल तैल का अधिक सेवन, तिल पिष्ट निभम शाखाश्रित कामला का लक्षण है, और तिल तैल का अति सेवन निदान है किसका, पांडु का, याद रखिएगा। तो निष्पाव मांस जो हमने अभी मार्क किया हुआ है डार्क पर दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, निष्पाव सेम को बोला हुआ है, मांस उड़द को बोलते हैं, पिन्याक तिल तेल का अति सेवन, तीक्ष्ण पदार्थ का सेवन, विदग्ध अन्न का सेवन, मध्य का बहुत ज्यादा सेवन, मत्स्य यानी मछली का बहुत ज्यादा सेवन, मृदा, मृदा से जानते हैं अभी हमने बताया मृदिका भक्षण जन पांडु की बात, प्रमिताशन नपा तुला भोजन करना, मतलब लगातार एक ही रस या दो रस का सेवन करना, ये नपा तुला डाइटिंग वाला जो तरीका होता है उसको प्रमिताशन, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो प्रमिताशन ये भी पांडु का कारण है। फिर इसके बाद विहारज में अभी हम लोगों ने पढ़ा, व्यायाम बहुत ज्यादा करना, दिन में सोने से, अति मैथुन से, अधारणी वेग को धारण करने से, ठीक है ना। माधव निदान क्या है, पांडु त्वेनोपलक्षितो रोगा पांडु रोगा, जिसमें पांडु वर्ण का दिखने लगे रोगी वो क्या है, पांडु रोग है, ठीक है ना। फिर इसके बाद चरक चिकित्सा में जो भी हम लोग पढ़ेंगे निदान, देखिये यहाँ पे सब आया हुआ है, ठीक है ना, सब चीजें हम लोग वहीं से अभी यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षार अम्ल लवण उष्ण विरुद्ध साथ असाथ में, साथ में असाथ में भोजन करने से, निष्पाव मांस पिन्याक तिल तैल के सेवन करने से, विदग्ध अन्न के सेवन से, दिवा शयन करने से, व्यायाम से, मैथुन से, है ना, और क्या है
वेग विधारणा अधारणी वेगों को धारने से काम चिंता भय क्रोध, यहाँ कुछ मानसिक की बात मतलब स्ट्रेस की बात कर दी है लास्ट वाले श्लोक में, याद रखिएगा। ऐसा कुछ मिलता जुलता सुश्रुत में भी आया है, व्यवहार से अम्ल लवण मध्य मृदा का सेवन करने से, दिवा शयन करने से, है ना। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने मृदिका भक्षण जन पांडु तो नहीं बताया लेकिन मृदा को उन्होंने निदान में बताया है सुश्रुत में, ठीक है। और निषेवणम आस्य विदुष्य रक्तम, अभी हमने बताया ना सुश्रुत के अनुसार सिर्फ और सिर्फ रक्त दूषित होता है, तो देखिए विदुष्य रक्तम कुर्वंती दोषात् त्वची पांडु भावम, ठीक है। सुश्रुत उत्तर तंत्र 44, तो ये दोनों आचार्यों के मत से पांडु का क्या क्या निदान हो सकता है वो हमने आपको बताया। ये वेग धारण काम चिंता क्रोध शोक से ग्रस्त रहना और पंचकर्म का मिथ्या योग हो जाना, ये सब जनरल कारण हो गए। फिर इसके बाद निदानार्थ कर रोग, कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप निदानार्थ करो मतलब एक रोग से दूसरा रोग हो जाए, एक व्याधि हुई है उसी व्याधि के साथ साथ कोई दूसरी व्याधि हो जाती है तो उसको निदानार्थ कर रोग कहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं पढ़ा हो जानते रहिए इसको, निदानार्थ कर रोग मतलब एक व्याधि से कोई दूसरी व्याधि हो जाता है, मतलब एक व्याधि दूसरे व्याधि का निदान है कारण है। तो पांडुता लक्षण लगभग 40 रोगों में पूर्व रूप लक्षण रूप उपद्रव के रूप में मिलता है, मतलब पांडु जो है लगभग 40 रोगों में या तो पूर्व रूप के रूप में मिलेगा या लक्षण के रूप में मिलेगा या उपद्रव कॉम्प्लिकेशन के रूप में मिलेगा, कुछ यहाँ पे नाम लिखे गए हैं देख लीजिएगा इसको, है ना। आधुनिक मत यहाँ पे हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, आपको हमने पीडीएफ भेज दिया इसको देख लीजिएगा, हम केवल आयुर्वेदिक मत पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। फिर आती है बात संप्राप्ति की, पांडु रोग की सामान्य विशिष्ट संप्राप्ति का वर्णन कैसे है, रस रक्त आदि धातु स्रोतस में, यानी रस रक्त आदि धातु स्रोतस में पित्त प्रधान त्रिदोष के प्रकोपित होने से धातु पोषण क्रम में शिथिलता व गुणता उत्पन्न होती है, दोष दूष्य के प्रदूषित होने से बल वर्ण स्नेह व ओज के गुण का, एक और कौन सी व्याधि हमने आपको बताया था कि ओज क्षय हो रहा था, मधुमेह नहीं राजक्षमा याद रखिएगा इसको, बल वर्ण स्नेह व ओज के गुणों का क्षय होने लगता है, परिणाम स्वरूप अल्परक्तता अल्पमेदता निहसारता एवं इंद्रिय शिथिलता, ये लाइन श्लोक की मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो अल्परक्तो मेदस्को निहसार शिथिलेंद्रिय, ये जो श्लोक है अभी अभी नीचे आ रहा दिखा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निसार शिथिलेंद्रिय, मतलब इसमें क्या हो जाता है अल्प रक्तता यानी एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, अल्प मेद मेद भी कम हो जाएगा, निसारता निसारता और इंद्रिय की शिथिलता हो जाएगी। निसारता से क्या मतलब निकालेंगे सर, ओज का कम हो, यहाँ ओज से कोई लेना देना निसारता, परिणाम स्वरूप सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निहसार शिथिलेंद्रिय, वायवर्ण्यम भजते, दूसरी लाइन में सिर्फ पहली लाइन से नहीं काम चलेगा, वायवर्ण्यम भजते तस्य हेतु लक्षण लक्षण, और विवर्णता हो जाती है ऐसे पांडु रोग के लक्षण को, सुनिए चरक चिकित्सा 16 का है ये चौथा श्लोक स्टार्टिंग में मिलेगा भी, दोषाह पित्त प्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु, यानी कि तीनों दोष विशेष रूप से पित्त धातुओं को दूषित करते हैं, है ना। शैथिल्यम तस्य धातूनां गर्वं च उपजायते, धातुओं में शिथिलता आ जाएगी, ततो वर्ण बल स्नेह ये च अन्य अप्यो ओजसो गुणा, क्षय होगा इन सभी का, व्रजन्ति क्षयम अत्यर्थम दोष दूष्य प्रदूषण, दोष दूष्य के प्रदूषित होने से बल वर्ण स्नेह व ओज के गुणों का क्षय होगा। और लास्ट वाली दोनों लाइन सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निसार शिथिलेंद्रिय मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक आगे बना होगा फ्लो चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका संप्राप्ति और निदान, याद रखें हम बता दे रहे हैं।
विभिन्न निदान का सेवन, पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप हुआ, त्वचा और मांस के मध्य आश्रित हुआ, स्थान संशय किया, त्वचा और मांस के मध्य स्थान संशय, कफ वात रक्त मांस दूषित, ठीक है ना, कफ वात रक्त, यहाँ पे क्या है, पित्त नहीं है, याद रखिएगा, कफ वात कवर, याद रखिएगा कवर, कफ वात रक्त कवर और मांस है यहाँ पे आया हुआ है, रक्त अल्पता हो गया, त्वचा का पांडु वर्ण का हो जाना, और ये आपका पांडु वर्ण की संप्राप्ति सामान्य रूप से यहाँ पे बताइए, ठीक है। ये तो काय चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से, दोष पित्त प्रधान त्रिदोष है, दूष्य वही है, रस मर्ते, मांस रक्त और त्वचा, मांस रक्त और त्वचा, रस को मत मानिए अभी, मांस रक्त और त्वचा, अभी रस को साइड में रखिए, स्रोतस रस और रक्त हो गया, ठीक है ना, स्रोतो दुष्टि प्रकार यहाँ संग हो गया, अतिसार में हम लोगों ने पढ़ा था, अति प्रवृत्ति था, अधिष्ठान क्या है, सर्व शरीरगत त्वचा है, आमाशयोत्त है, यहाँ पे अग्निमांद है, और कौन सी अग्नि, धात्वाग्निमांद, धात्वाग्निमांद है, याद रखिएगा, चिरकारी है, साध्य कृच्छ साध्य है। अब आती भेद की बात, यही लाइन हम बता रहे थे, समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम, तो कौन सा पित्त हुआ, साधक पित्त हुआ, हृदय में कौन सा पित्त होता है, साधक पित्त, वायुनाम बलिनाम क्षिप्तम संप्राप्त धमनी दंश प्रपन्न केवलम देह त्वक मांस अंतरम आश्रितम, त्वक मांस अंतर, त्वचा और मांस के बीच में मध्य में आश्रित होता है, ठीक है ना, तो जो स्थान संशय हो रहा है त्वक और मांस के मध्य में है, ये भी याद रखिएगा, प्रदूष्य कपवाद अश्रिक त्वक मांसानी, तो वो जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ना बच्चा, वो इसी श्लोक पे आधारित है, और बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना है, उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद भेद की बात, यहाँ पे इस श्लोक में आपका पंच भेद कौन कौन से हैं उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पंच पांडु रोगा है, इति वात पित्त कफ सन्निपात एंड मृदका भक्षणजा, ठीक है ना, तो ये पांच आपके पांडु रोग के भेद हो गए, चरक सूत्र 19 में आया है, चरक सूत्र 19 जहाँ पे व्याधियों के भेद बताए गए हैं वहां का है ये, ठीक है ना, और फिर क्या कह रहे हैं, पांडु आमयो अष्टर्धविध प्रदिष्ट पृथक, ठीक है ना, वैसे चार ही होते हैं, सुश्रुत के अनुसार भी चार ही हैं, स पंचधा पृथक दोष है, अष्टांग हृदय में भी पांच बताए गए हैं, ये देखिएगा बीपीकेएस मृदिका भक्षण जन्य, बीपीकेएस सुश्रुत के अनुसार चार, और बागभट्ट के अनुसार आपका ये चार्ट बना हुआ है, अन्य आचार कामला हलीमक, अन्य आचार में कौन आ गया, अभी बताया था हमने पीछे, इन्होंने आठ माना था, हारित, अन्य आचार मतलब हारित के अनुसार कामला हलीमक पानकी को भी पांडु रोग का भेद माना गया है, और उन्होंने कुल मिला के आठ बताए पांडु के भेद, याद रखिएगा। फिर बात आती है पूर्व रोग की, षड क्रियाकाल में स्थान संशय की अवस्था में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को पूर्व रूप कहा जाता है, हम जानते हैं, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्त था, याद आ रहा, दो बार अभी पीछे बोले हैं, तीसरी बार बोले हैं, और चौथी बार हम नीचे आपको दिखा दे रहे हैं, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्त था, क्लियर, ये चरक के अनुसार जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तस्य लिंगम भविष्यतः, हृदय स्पंदनम हृदय में स्पंदन होगा, रोक्षम रुक्षता स्वेद का अभाव हो जाएगा, और श्रमस्तता में से थकावट जैसा लगेगा, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांडु रोग का लक्षण। फिर इसके बाद सुश्रुत में क्या आया है, त्वक स्फुटन है, स्थीवन है, गात्र साध है, मृद भक्षणम प्रेक्षण कूट शोथ, मतलब कि आंखों के नीचे स्वेलिंग जैसा लगना, ठीक है ना, वीण मूत्र, मूत्र और पुरीष जो है पीत वर्ण का, ठीक है ना, वीण और मूत्र जो है पीत वर्ण का रहेगा। आइए ऊपर देखिएगा, हृदय स्पंदनम पैल्पिटेशन रुक्षता ड्राइनेस स्वेदा भाव नो स्वीटिंग थकावट, वही श्रमस्त था जो बोल रहे हैं उसको थकावट, बहुत आलस मतलब
थकावट जैसा लगना, सुबह का स्पॉट स्किन में जैसे दरारे पड़ जाना, स्टीवन बार बार थूकने की प्रवृत्ति, गात्र साथ वो भी थकने से संबंधित है, मृदिका भक्षण की इच्छा होना, मृदिका भक्षण की इच्छा होना यानी कि अगर एनीमिया है तो मिट्टी खाने का मन करेगा, है ना, और अक्षिकूट सोच स्वेलिंग अराउंड आईज, मलमूत्र का पीला होना, अविपाक इंडाइजेशन होना, ये सारी बातें सुषुप्ति के अनुसार भी हमने आपको बताया। सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो त्वचा का पांडुवर्ण होना, रक्ताल्पता, सो अल्प रक्तो मेदस्को निःसार शिथिलेन्द्रिय, वो पूर्व रूप था याद रखिएगा, अब ये रूप की बात कर रहे हैं, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्त था, वो जो है पूर्व रूप है, अब यहाँ पे रूप की बात कर रहे हैं, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निःसार शिथिलेन्द्रिय, नीचे देखिए लिखा सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निःसार शिथिलेन्द्रिय, चरक चिकित्सा 16 का छठवां श्लोक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या क्या है, सो अल्प रक्तो जानते हैं रक्ताल्पता होना, अल्प मेदस्विता मेद का कम होना, निःसार लॉस ऑफ ग्लो, निःसार मतलब चेहरे का जो सार है, जो ग्लो है, जो चमक है, वो समाप्त हो जाना, निःसार से ये मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है ना, शिथिलेन्द्रिय इंद्रियां शिथिल हो जाएं और अपने विषयों को ग्रहण न कर पाए, कर्णच्छेद याद रखिएगा, इसके पहले भी आया था कर्णच्छेद ग्रहणी में हमने पढ़ाया था, कहाँ आया था देख लीजिएगा, दुर्बलता अग्निमांद्य हतानल शब्द से आया, हतानल मतलब अग्निमांद्य, अरुचि थकावट, कर्णच्छेद इंपॉर्टेंट है, हतानल इंपॉर्टेंट है, प्रेक्षण कूट शोच आंखों के अराउंड जो है स्वेलिंग होना, शीर्ण लोमा शिशिर द्वेषी, ये सब इंपॉर्टेंट है, अक्षिकूट शोथ शीर्ण लोमा शिशिर द्वेषी मतलब ठंड से उसको एलर्जी हो जाएगी, अति निद्रा बहुत ज्यादा सोने का मन करेगा, स्टीवन अल्पवाक, आपने देखा होगा जो एनिमिक पेशेंट होते हैं बहुत कम बोलते हैं, है ना, अल्पवाक बहुत कम बोलते हैं, और पिंडिको द्वेष्टन क्रैम्स, क्रैम्स होता है काफ मसल्स में, जो काफ रीजन होता है काफ मसल्स होते हैं वहां पे पेडिकोड वेस्टर्न, पेडिकोड वेस्टर्न किस धातु के क्षय में होता है या किस अधारणी वेग में पढ़ा है इसको या किसके क्षय में पेडिकोड वेस्टर्न मिलता है, पढ़िएगा, अभी वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, तो ये जो बाकी के थे वो भी चरक चिकित्सा का ही है जिसमें हमने आपको बताया है सोनाक्ष कूटो हरित शीर्ण लोमा हत प्रभा, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सोनाक्ष कूटो मतलब शून मतलब स्वेलिंग, शून का मतलब होता है शोथ या स्वेलिंग, कहाँ अक्षी, अक्षी के चारों तरफ शोथ रहेगा, शीर्ण लोमा हत प्रभा कोपना शिशिर द्वेषी, ये भी हमने आपको बताया शिशिर से द्वेष करेगा, ठंड से उसको द्वेष रहेगा, निद्रालु बहुत ज्यादा सोएगा, स्टीवन बार बार थूकेगा, अल्पवाक, वाक यहाँ चलने वाला अंग्रेजी वाला वाक नहीं है, यहाँ वाक का मतलब होता है बोलने से, इनको द्वेष्टन है ना, याद रखिएगा, ये आचार्य चरक के अनुसार आपका लक्षण हो गया पांडु का। फिर लास्ट पेज समरी का ये आपके सामने आया, ये याद रख लीजिएगा, मृदिका भक्षण जन पांडु का ये पेज है, आचार्य चरक ने मिट्टी के सेवन से उत्पन्न मृदिका भक्षण जन पांडु का वर्णन किया है, कुम लिखा हुआ है, कुमकुम होता है ना, कुमकुम म्यूट कर लिए, किसी का अनम्यूट है, होता है होनी आजकल कल होनी शुक्र को नहीं, तो मृदिका भक्षण जन्य पांडु तीन प्रकार की मिट्टी बताया है, एक कषाय मृदिका, एक ऊसर मृदिका और मधुर मृदिका, ठीक है ना, तो कुम के फॉर कषाय, यू फॉर ऊसर और एम फॉर मधुर मृदिका, क्रमशः वात का प्रकोप करता है, पित्त का प्रकोप करता है और कफ का प्रकोप करता है, ये पूछा जाता है एग्जाम, तो कुम कुम से कुम याद रखिएगा, के फॉर कषाय, यू फॉर ऊसर और एम फॉर मधुर, ठीक है ना, इनके मृदिका के सेवन से क्या होता है,
कषाय उषर मधुर से क्या हुआ क्रमशः त्रिदोष का प्रकोप हो गया, ठीक है ना। त्रिदोष प्रकोप हुआ, भोजन रस रक्त आदि की रुक्षता हुआ, ठीक है। स्रोत अवरोध हो जाएगा, यूं समझिए जैसे मिट्टी से स्रोतस में अवरोध हो गया, मिट्टी जम गया किसी पाइप में। एक मोटा मोटा समझाने के लिए बता रहे हैं, पाइप में मिट्टी जम गया, स्रोतस में मिट्टी जम गई, अवरोध हो गया। धातु पोषण का अभाव, अगर ब्लॉकेज हो गया स्रोतस में तो धातु पोषण है जो है वो प्रभावित हो जाएगा, दोष का प्रकोप हो जाएगा और इंद्रिय का बलनाश हो जाएगा। बल वर्ण अग्निनाश, उष्मा का क्षय, ओज क्षय और पांडु की उत्पत्ति, ये मृदिका भक्षण जन्य पांडु का है। वो सामान्य पांडु रोग का था, ये मृदिका भक्षण जन्य पांडु का है, इसको एक बार देख लेना बच्चा, ठीक है ना। लक्षण क्या है मृदिका भक्षण जन्य पांडु का? अक्षिकूट, गंड, भ्रू, पाद, नाभि, मूत्रेंद्रिय, इन जगहों पर शोथ हो जाता है और उदर में कृमि हो जाता है ना। ज्वरो विवर्णता शूलम हृदय रोग सदनम भ्रम, ये कहाँ पढ़ा था? ज्वरो विवर्णता शूलम हृदय रोग सदनम भ्रम, सोफा च अतिसारश्च संजात डैश 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 लक्षणम, कृमि रोग, अभी एक लेक्चर पहले बताया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर देखिए, रक्त पित्त में रंजक पित्त दूषित होता है, पांडु में हमने आपको बताया साधक पित्त दूषित होता है, ठीक है ना। तो रक्त पित्त जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पे पढ़े थे, वहां पे रंजक पित्त दूषित होता है, पांडु में साधक पित्त दूषित होता है। फिर यहाँ पे देखिए हमने कुछ बातें लिखी है, दुष्य चरक के अनुसार पांडु से मरते, पांडु पांडे जो भी लिखो हम लिख सकते हैं, पांडे लिख सकते हैं, पांडे मरते कामला से मरे या कामला कामला मरी, जो भी आपको सही लगे, ठीक है ना। चरक पांडु से मरते कामला से मरे, ये तो हुआ दूषित की बात। पांडु सुश्रुत के अनुसार चार, हरित के अनुसार आठ और पांच प्लस ये तीन, कामला कुंभ कामला और हलीमक, चरक वाग्भट माधव के अनुसार पांच, वीपी के एस और मृदिका भक्षण जन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार उस तरीके से पढ़ाने से क्या होता है कि ईजी वे में आपको चीजें समझ में आती होंगी, ठीक है ना, ऐसा मुझे लगता है। फिर देखिएगा, ये हमने आपको बताया पांडुस्तु पीत मार्गार्थ केतकी धूल सन्निभम, ये भी हम आपको बता दिए, अर्थात केतकी की धूल के समान सफेदी लिए हुए पीलापन होना, ठीक है, ये भी हमने आपको बताया। और पांडुत्वे नोपलक्षितो रोग पांडु रोग, पांडु शब्द से पांडु रोग में होने वाले हरित हरित्र वर्ण भी गृहित हो जाता है, ठीक है। पांडु रोग में रक्त अल्पता प्रधान लक्षण है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पांडु रोग में मुख्य लक्षण क्या है? रक्त अल्पता। फिर पांडु रोग के प्रकार की बात करते हैं, वही है पांच। तो वहां पे जब हम लोगों ने पढ़ा सूत्र संग, तो है साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, पांडु रोग स्मृता मुझे नृतक उन्नीस में अध्याय क्या है वो कुछ गलत लिखा, देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मृदका भक्षण जन्य पांडु पांचवा होता है, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा ऊपर कट गया है, सुश्रुत के अनुसार पांडु में रक्त दूष्य होता है, चरक में क्या है? मरते, यहाँ भी केवल रक्त है, याद रखिएगा। सुश्रुत ने कामला कुंभ कामला हलीमक को पांडु का पर्याय माना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुश्रुत ने कामला कुंभ कामला और हलीमक को पांडु का पर्याय बताया है, ये याद रखिएगा। फिर ये जो लाइन लिखी हुई है इसको काट दीजिएगा, अतिरिक्त पान की लागर को अलसा की ये तीन भेद माने हैं, इसको काट दीजिए, ठीक है। फिर देखिएगा, हमने यहां पे एक लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन खींचा हुआ है ना, इस लाइन के बाद जो ऑब्लिक, इसके बाद लिखा है ज्वर अंग मर्द अंग सॉरी ज्वर अंग मर्द ब्रह्म साध तंद्रा छयान्वितो लाघर को अलसाख्य, लाघरक को अलसाख्य कह रहे हैं, और इसका लक्षण क्या हुआ? ज्वर अंग मर्द, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां से जो है ये जो हम इसको मार्क कर रहे हैं, वात पित्त, वात पित्त की वजह से हो रहा है,
हलीमक नाम संज्ञा दे रहे हैं उसको, हलीमक नाम बता रहे हैं। और संतापो, ये जो आखिरी लाइन है ये किसकी है, ये पानकी का है, डलहन लिखा हुआ मैंने, ड से डलहन। क्या होता है संतापो, भिन्न वर्चस्व अधिसार होता है, बहिरंदस्य पीतता पांडुता, नेत्र रोग यानी कि नेत्र रोग भी हो जाता है ये पानकी रोग। अभी जो हमने वहां पढ़ा था सेकंड लाइन नहीं था, वहां पे सिर्फ पहली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, सेकंड हाफ नहीं था। तो संतापो भिन्न वर्चस्व बहिरंतश्च पीतता और पांडुता नेत्र रोग, यानी नेत्र रोग भी हो जाएगा पानकी में, तो याद रखिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे किचड़ पिचड़ है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज होने के बजाय आप वहीं से पढ़िएगा जो अभी हमने आपको पीछे बताया, ठीक है ना। यहाँ पे खिचड़ी में मत फंसिएगा, जो अभी हमने आपको कुंभ कामला, कामला अलीमक जो पीछे बताया है वहां से एक बार उसको देख लीजिएगा। हालांकि कामला भी आगे डिटेल में आ रहा है, तो ये विमर्श में एक बार देख लीजिएगा। सबसे क्लियर नीचे पानकी वाला है उसको देख लीजिएगा। अलीमक में आपको याद रखना है महाव्याधि है, वात पित्त से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, संप्राप्ति की बात करते हैं। दोषा पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लो चार्ट भी देखा था, फिर ये वाला श्लोक हमने आपको बताया था। अप्य ओजसो गुणा, क्वेश्चन आया हुआ है हमने क्यों लगाया, यही पूछा था किस व्याधि में धातु क्षय होता है, यही यहाँ से लिखा था, ठीक है ना। तो पांडु में भी ओज का क्षय होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संप्राप्ति याद रखिएगा, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निसार शिथिलेंद्रिय, ठीक है, इसको याद रखिएगा। रक्त की अल्पता, मेद की अल्पता, ओज की हीनता। अब उसको निहसार को कुछ लोग कहते हैं कि चेहरे का जो है चमक कम हो जाता है, कुछ लोग उसको कहे निहसार यानी कि ओज क्षय हो जा रहा है, ठीक है ना। और इंद्रियों में शिथिलता आ जा रही है, अब दोनों आप लिख करके ओज की क्षीणता कह सकते हैं और निहसार यानी कि चेहरे का जो ग्लो है, चमक है, वो कम हो जाना, जो प्रभा है, जो तेज है चेहरे का, वो कम हो जाना, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं वैवर्ण्यम भजते तस्यम, उस पांडुरोग कहते हैं, इस पांडुरोग के निदान लक्षण को बताएंगे। और शरीर का वर्ण जो है वो विकृत, वैवर्ण्यम भजते, शरीर का वर्ण जो है विकृत हो जाता है या विवर्ण हो जाता है, ये आपका पूरा का पूरा संप्राप्ति हो गया। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निहसार शिथिलेंद्रिय, संप्राप्ति है, इसको याद रखिएगा। पांडुरोग का निदान अभी हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, क्षार अम्ल लवण विरुद्ध असाध में भोजन निष्पाप मांस पिन्याक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। हिक्का और श्वास में भी मिलेगा पूरा, निष्पाप मांस पिन्याक तिल तैल निषेवड़ा, ये हिक्का और श्वास का भी निदान है याद रखिएगा, ठीक है। निष्पाप मांस पिन्याक यहाँ भी है और हिक्का श्वास में भी पढ़ेंगे। और ये वाली लाइन देखिएगा, त्वक मांस अंतरा माशितम, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, अभी नहीं उतना फोकस करेंगे, ठीक है, पीछे हो चुका है। फिर पूर्व रूप की बात करते हैं, ये भी बताया हमने आपको, हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्त था, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। फिर लक्षण की बात करते हैं, कर्ण छवेडी हतानल दुर्बल, ठीक है ना, हतानल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है। हत अनल, अनल मतलब अग्नि को बोलते हैं यानी अग्निमंद हो जाना, अनिल वायु को बोलते हैं, अनल अग्नि को बोलते हैं। तो हतानल का मतलब, हत मतलब मंद बढ़ जाना, क्षीण हो जाना, कौन अनल यानी अग्नि की मंदता, दुर्बलता शरीर का। और श्रम भ्रम निपीडित, श्रम भ्रम निपीडित थकावट लगेगा, चक्कर आएगा, है ना। शून्य अक्षिकूट, ये भी हमने आपको बताया, नेत्रों के आसपास स्वेलिंग रहेगा। हरित शीर्ण लोमा, क्या है मतलब, रोमों का गिरना, शीर्ण लोमा जो रोए हैं गिरने लगते हैं, शीर्ण लोमा मतलब रोए गिरने लगते हैं। और शरीर की कांति का नाश, हत प्रभा, हत प्रभा क्या हुआ, शरीर की प्रभा कांति का क्षीण होना। तो एक वहां पे निहसार था, सो अल्प रक्तो अल्प मेदस को निहसार शिथिलेंद्रिय, और यहाँ पे हत प्रभा है, तो एक कहाँ था, पूर्व रूप में था, और हत प्रभ जो है लक्षण में है याद रखिए, ठीक है ना। शिशिर द्वेषी निद्रालु स्थीवनो अल्पवाक, ये सभी पांडु का लक्षण है, पिटको द्वेष्टन भी इसका लक्षण है याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक, चारों लाइन। ये बताया था हमने आपको, कर्ण छेड़ी आंध्र पूजन ग्रहणी का पूर्व रूप होता है,
कर्ण छेड़ आंध्र पूजन ग्रहणी का पूर्व रूप। कर्ण छेड़ो आंध्र पूजनम ग्रहणी पूर्व रूप। ठीक, तो यहाँ पे आया कर्ण छेड़ी हताना लाया है पांडु रोग का लक्षण, याद रखिएगा इसको। और सुश्रुत में जो पांडु रोग का लक्षण आया वो भी अभी हमने आपको बताया, तो स्फुटन निष्ठीवन गात्र साध मृत का भक्षण की इच्छा होती है, कूट शोध अक्ष के आसपास शोध होता है, वीण मूत्र जो होता है पीत वर्ण का हो जाता है ना, तो ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सुश्रुत के अनुसार पूर्व रूप हुआ। फिर यहाँ पे वातज पांडु की बात कुछ कर रहे हैं, सब वात वाले होंगे जो हम लोग जैसा पीछे पढ़ते आ रहे हैं। फिर पित्त वाले, यहाँ पे पित्त वाले में एक बात आई है, तमह एव च, मतलब आंखों के सामने अंधेरा, दौर्गंध और दौर्गंध और भिन्न वर्ष। भिन्न वर्ष का मतलब होता है लिक्विफाई स्टूल, मल जो होता है बहुत पतला निकलता है, तो दौर्गंध भिन्न वर्ष और तम, जैसे अंधेरे में प्रवेश करना ऐसी अनुभूति होती है। और कफज पांडु में आया है वाक स्वरग्रहम, ये एग्जाम में पूछा गया है वाक स्वरग्रहम, इसका लक्षण है ये कफज पांडु में। ठीक है, याद रखिएगा इसको, वाक स्वरग्रह मतलब बोलने में उसको दिक्कत होगा, बोल नहीं पाएगा, रुकावट हो जाएगी। अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि पांडु रोगी वो तर्थम पित्त लाना निषेवते, मतलब जो पांडु रोगी होते हैं अगर पित्त वर्धक आहार का सेवन करते हैं तो वही आगे चल के कामला बन जाता है। लेकिन हारित और वाग्भट ने कहा है कि पांडु के बिना भी कामला हो सकता है, बिना पांडु के भी कामला हो सकता है, हारित और वाग्भट ने कहा है। फिर आगे बात करते हैं पांचवा, मृदिका भक्षण जन्य पांडु, मिट्टी के सेवन से उत्पन्न पांडु रोग के संप्राप्ति और लक्षण की बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया था, याद आ रहा, कषाय मारुतः पित्तम उषरा मधुरा कफम, कषाय रस से मारुत, ऊषर से पित्त और मधुर से कफ, ये तीनों दोष प्रकोपित होंगे, हमने आपको फ्लो चार्ट बताया था अभी। और इसमें देखिएगा ये वाला, इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीर्यो ओजसी तथा, यहाँ भी ओज आया है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और बल वर्ण अग्निनाशम, वो जो स्रोत अवरोध हमने अभी आपको बताया था जैसे पाइप में मिट्टी फंस जाता है, वो वाला चार्ट इसके साथ में वहां से पढ़ना है आपको, ठीक है। और ये बीएचयू में पूछा गया था कृमि कोष्ठ अतिसारेत, ये बीएचयू में पूछा गया था, ठीक है, कृमि कोष्ठ अतिसारेत, उदर में कृमि हो जाएंगे और रोगी रक्त और कफ मिश्रित मल का, कृमि कोष्ठ अतिसारेत मलम अश्रिक कफान्वितम, मतलब कृमि, पेट में कीड़े कब पड़ जाएंगे, जब बच्चा मिट्टी खाएगा, कहते नहीं अरे पेट में कीड़े मिट्टी बहुत खाता होगा, तो कृमि कोष्ठ मतलब पेट में कीड़े, कोष्ठ में कीड़े पड़ जाएंगे, कृमि पड़ जाएंगे। और मल की प्रवृत्ति कैसे होगी, स अश्रिक, अश्रिक मतलब रक्त और कफ मिश्रित मल का त्याग करेगा, याद रखिएगा। और आंखों के आसपास स्वेलिंग रहेगी, अक्षिकूट में शोथ, गंडस्थल और भूप्रदेश में शोथ, पैर नाभि मूत्रेंद्री पे शोथ। तो ये जो इतना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये शून्य गंडाक्षकूट भ्रू शून्य, ठीक है ना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। कृमि कोष्ठता ऐसा और भी जगह आया है, तो कृमि कोष्ठता मृदिका भक्षण जन्य पांडु में है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक समराइज कर लिया उसको, संप्राप्ति में क्या हमने आपको बताया, सो अल्प रक्तो अल्प मेधस्को निहसार शिथिरेन्द्रिय वैवर्ण भजते तस्य हेतु श्रृण वैसे करके आया था। तो ये पांडु की संप्राप्ति की बात हुई, ठीक। पूर्व रूप में क्या बताया, हृदय स्पंदनम रक्षम सुविधा भाव श्रमस्त था, ये बताया। लक्षण में क्या क्या बताया, कर्ण छेड़ी हतानल श्रम भ्रम सूनाक्षकूट हरित शीर्ण लोमा रोए का गिरना बार बार हत प्रभा कोपना शिशिर द्वेषी निद्रालु स्थीवन अल्पवाक पीड़कोद्वेष्टन, है ना, ये सब चीजें हमने आपको लक्षण के रूप में बताया। फिर बात में हमने नहीं बताया वर्च शोषा से, जहां भी बात रहेगा मल जो है सूखा सूखा सा रहेगा, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फिर पित्त में क्या बताया है, दौर्गंध रहेगा भिन्न वर्चस्व पतला मल निकलेगा, और कफज में सब शुक्ल शुक्ल रहेगा, श्वेत श्वेत रहेगा, कुछ ऐसे वहां पर नहीं था। वाक स्वरग्रहम ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, वाक स्वरग्रहम बोलने में उसको कठिनाई होगी। जो त्रिदोष वाला है उसको सूद उत्साह बोला, मतलब उसकी चिकित्सा थोड़ा सा मुश्किल होती है। फिर मृदिका भक्षण जन्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीर्यो ओजसी था, अगर इतना लाइन लिख के आ जाएगा तो मृदिका भक्षण जन्म पांडु का है।
क्रीमी कोष्ठ अतिसारेत मल अश्रित कफान्वितम, है ना, कफ और रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके सब चीजें याद होती हैं। पानकी वाला वही श्लोक हमने यहाँ लिख रखा है, संतापो भिन्न वर्चस्तम बहिरंत पीतता पांडुता नेत्र रोगश्य पानकी लक्षणम भवे। हलीमक वात पित्त से होता है, वागपट ने इसको लोडर बोला है, ये सब हमने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में भी। कामला में मृदु भी तिक्त विरेचन अभी आ रहा है, पांडु में तीक्ष में विरेचन करने को आ रहा है, ये सब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब असाध्य पांडु रोग का लक्षण जो बताया है, अंते शूनम परिहीन मध्यम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक अभी आगे आएगा बताएंगे इसको। अंते शूनम परिहीन मध्यम, यहाँ पे हमने नीचे देखिए असाध्य पांडु कौन सा होता है, कफ युक्त जिसका मल हरा बधा अल्प मात्रा में निकलता है वह पांडु रोगी असाध्य होता है। अत्यंत दीन हो, उसके शरीर में श्वेत वर्ण की वस्तु लेप कर दी गई है ऐसा दिख रहा हो, वमन मूर्छा तृष्णा से पीड़ित हो, तो वो भी असाध्य होता है। ये कुछ असाध्य पांडु रोग के यहाँ पे लक्षण बताए, ठीक है। फिर आती है बात कामला की, याद करिए अभी हमने आपको बताया पांडु रोगी दुयोत्तरतम पित्तलानि निषेवते, पित्तलानि है उसको पित्तलानि ही पढ़िएगा। पांडु रोगी तु यो अत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम असिग्मासम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। जो पांडु रोगी व्यक्ति पित्त प्रकोपक द्रव्यों का लगातार सेवन करते रहते, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले अतिसार में पढ़ा है, जो पित्तज अतिसार वाला रोगी लगातार पित्तज द्रव्यों का पित्तवर्धक आहार का सेवन करता रहता क्या हो जाता है, पित्तज अतिसार वाला अगर पित्तवर्धक आहार का सेवन करेगा तो क्या हो जा रहा था, रक्त अतिसार। वैसे यहाँ पे है कि पांडु रोगी जो है लगातार पित्तवर्धक आहार का सेवन कर रहा है तो उसका बढ़ा हुआ पित्त रमा में जाएगा और रमा में जाके उसको जला देगा और रमा को जला के कामला उत्पन्न कर देगा। रमा मतलब रक्त और मांस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सुश्रुत के अनुसार भगंदर और स्तन रोग में दूष्य भी रमा है। सुश्रुत के अनुसार भगंदर और स्तन रोग में भी दूष्य रमा ही है, रक्त और मांस। हारित ने पांडु के 8 भेद बताए हैं, कामला को स्वतंत्र रोग माना है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। पांडु रोग के न होने पर भी कामला हो सकता है, वाग्भट ने बताया है, ठीक है ना, हारित ने बताया है, अभी हम आपको पीछे ये चीज बता चुके हैं। फिर कामला रोग का लक्षण, हरिद्र नेत्र, यहाँ नेत्र हरे वर्ण के हो जाएंगे। सवृषम हरिद्र त्वक नख आनन, मुख जो है, आनन मतलब मुख, नख, त्वक त्वचा, ये सभी हरे हरे हो जाएंगे। रक्त पीत शक्रिन मूत्रो, जो शक्रिन यानी पुरीष और मूत्र जो है वो रक्त और पीत वर्ण का हो जाएगा। और भेक वर्ण, भेक किसको बोलते हैं, मेंढक को, बरसाती मेंढक जैसे पीला पीला होता है वैसे ही शरीर दिखेगा। भेक वर्णों अतेंद्रिय यानी इंद्रियां भी हद हो जाती हैं, अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक फॉर कामला, हरिद्र नेत्र सवृषम हरिद्र त्वक नख आनन रक्त पीत शक्रिन मूत्रो भेक वर्णो अतेंद्रिय, ठीक है ना। दाह अविपाक दौर्बल्य सदन अरुचि कर्षित कामला बहुपित्तशा, बहुपित्तशा कोष्ठ शाखाश्रय मता, यहाँ पे बता दिया कोष्ठ और शाखा के भेद से दो प्रकार का है, आश्रय कोष्ठ और शाखा ये दो होते हैं, अर्थात शाखाश्रय और कामला और कोष्ठ आश्रय कामला ये दो प्रकार के काम, ठीक है। पित्त की अधिकता से होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुंभ कामला की बात करते हैं। समय अधिक व्यतीत हो जाने के कारण पुरानी या संपूर्ण धातुओं में रुक्षता उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसी कामला के आगे की स्टेज है जब बहुत क्रोनिक टाइम तक बना रहे और धातुओं में रुक्षता हो जाए, और रुक्षता होने से कुंभ कामला रोग उत्पन्न हो जाता है। यह चिकित्सा में कृच्छ साध्य है। और लक्षण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिएगा कृष्ण पीत शक्रिन मूत्रो, यहाँ पे कृष्ण पीत कृष्ण पीत केपी केपी के फॉर कृष्ण पी फॉर पीत, कृष्ण पीत किसमें है, कुंभ कामला में, यानी कुंभ में केपी, तो याद रखिएगा केपी कुंभ में है। और यहाँ पे इसमें क्या था, आरपी,
आरपी किस में था? केवल कामला में था। आरपी और केपी याद रखिएगा, केपी किस में है? कुंभ कामला में, और आरपी किस में है? केवल कामला में है, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। आरपी केपी इसी में कंफ्यूजन होता है। तो केपी मतलब कुंभ कामला हो गया, नष्ट अग्नि संज्ञा, अग्नि और संज्ञा नाश हो जाता है, जठराग्नि नष्ट हो जाएगी, चेतना नष्ट हो जाती है, ठीक है। स रक्त अक्ष, यहाँ पे अब आंख मुख ये सभी कैसे हो जाते हैं? रक्त वर्ण के। और छर्दी विड़मूत्रो यश्च ताम्यति, मूत्र का वर्ण यहाँ लाल हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। मल मूत्र ये सब रक्त वर्ण का हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये हुआ कुंभ कामला। सुश्रुत ने शोफ और पर्वभेद, तो सुश्रुत का पर्वभेद याद रखिएगा, कुंभ कामला पे पर्वभेद बताया है सुश्रुत ने।